क्या बोले? प्यार आज भी करता हूँ तुमसे यार, आजीवन करता। उसे क्यों नहीं बता सच्चाई? अब बताएंगे तुम्हारा सच्चाई। तुम लोग सही में नागिन हो, ऐसे जगह डंसते हो ना कि पानी भी आदमी को नसीब नहीं हो। बताइए ना क्या पकड़ो। ऐसा कभी होने वाला नहीं है, सपना मत देखिएगा, खुश मत होइएगा बहुत ज्यादा, ठीक है? क्योंकि जब तक मैं कहाँ बैग लेके? अब मिलेंगे भी नहीं आप मुझसे गले? गले मतलब क्या क्या दिक्कत है? गले मिलने से क्या हो जाएगा? आपको जब मैं अकेले मिलने के लिए बुलाऊंगी तो आप आ जाएंगे, चिल्लाएंगे भी नहीं। अब आपके मुँह से आवाज़ नहीं निकलेगा, बोलेंगे भी नहीं मेरे सामने आप तो। अब लेकिन जब संजना रहेगी तब तो आप बोलते रहेंगे चिल्लाएंगे मेरे ऊपर, वो क्या मतलब बनता है? आप क्या समझ रखे हैं आप मुझे? क्या कुछ फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? मैं क्या हूँ क्यों नहीं? तो मेरी फीलिंग को समझ रही हो? सब समझ रही हूँ। कहाँ समझती तो इतना ड्रामा नहीं ना करती। मुझे अपनी फीलिंग बताइए ना, क्या संजना को लेकर? नहीं ना समझोगी यार, संजना को लेकर समझने वाली होती ना तब तक समझ गई होती। तो यार जब तक नहीं समझती हो ना तुम हमको, कोई नहीं समझ पाएगा हमको। तो बताइए तो मुझे, हम ही गलत हो जाते हैं ना। तो क्या बताए यार, क्यों चिल्लाती हो हमेशा? हाथ जोड़ चिल्लाइए, हाथ मत जोड़ो, ठीक है ना? चिल्लाइए, मैं आपकी लाइफ से जा रही हूँ। संजना बहुत, कहाँ जा रही हो यार? संजना अच्छी है, हम कहाँ बोले की बुरी है? बहुत अच्छी है वो। इतना जलन क्यों हो रहा है तुमको? मुझे जलन नहीं हो रहा उससे, अब जलन नहीं। कहाँ थी, कहाँ उड़ के चली गई तुम? पहले मुझे जलन होता था लेकिन अब जलन नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ से अब दोबारा लौट के नहीं आऊंगी। भगवान के पास जा रही, मरने जा रही होगा शायद, तुम्हें सुकून मिले तो चली जाओगी वहाँ पे, मिलेगा। हमेशा पिटने वाला काम मत करो, ठीक है ना? क्यों इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है मेरे पिटने पर? पापा आ रहे हैं तुम्हारा, कितना 25 है ना पापा? 26-27 को आ जाएंगे वो। नहीं तो मैं खुद चल जाऊंगी। 26 कल 28 तारीख को पापा आ जाएंगे तुम्हारे, उसके बाद उनके साथ में चले जाना, तुम बात खत्म हो जाएगा। अभी कहीं नहीं जाना है तुमको, बैग उठाओ, रूम में रह रही हो ना, तुम्हारे वजह से जाके होटल में रह रहे हैं ना। चिल्लाइए नहीं, समझे आप? जब देखे तब चिल्लाते रहते हैं। अच्छा हम चिल्ला रहे हैं, तुम जो कर रही हो प्रकाश, आप मेरे को समझ नहीं रहे हैं क्या? क्या समझे यार हम तुमको, तुम समझती हो काम को? आप मुझे समझाइए ना, तुमको सपना थोड़ी ना आएगा मेरे को कुछ भी का। जानती हो मेरे साथ अभी जो हो रहा है ना, मेरा पेज है खुआ, धीरे धीरे अंदर से टूट रहे हैं, नहीं होता है, हर तरह से टॉर्चर हो रहे हैं हम। क्या हुआ बताइए? तुम लोग दिमाग इसको खराब कर रखे हो तुम लोग। क्या किया मैंने? मैंने जीने का, जीने नहीं दोगे का? दूंगी जीने, लेकिन हुआ क्या है? एक कहावत नहीं है कि 17 से लेकर 25 की उम्र तक कोई प्यार मोहब्बत के चक्कर में लड़का को नहीं फंसना चाहिए? लेकिन या तो कैरियर चुनो, नहीं तो अपना, नहीं तो प्यार चुनो। अगर कैरियर बन जाना तुम जैसे 70 लड़की आगे पीछे घूमेगी। कैसे आप गलती की है तुमसे यार, कैसे बोल रहे हैं आप कि मैं ये चार वर्ड क्या बोल दिए तुम? प्यार समझ बैठी उसको, दोस्ती का दुबन, दोस्ती का रिश्ता कुछ नहीं होता है, नहीं करता है ना, बात खत्म हो गया। और क्या बात बढ़ाना चाहती हो? प्लीज मुझे हर्ट मत कीजिए आप, प्लीज। तुम कम बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही हो अलीजा यार। कुछ टॉर्चर नहीं कर रही हूँ। तुम दो दिन से ना कुछ खा रही हो ना कुछ, तो यार केवल चाय ब्रेड खा लेती हो, बात खत्म हो रहा है वो आपके वजह से, मेरे वजह, तुम्हारे वजह से अपने रूम में नहीं रह रहे। और तुम घर जाओ ना, जैसे पहले चल रहा था उसी तरह चलने दो ना यार। अब वैसे ही चलेगा, उससे शायद अच्छा चलेगा, उससे ज्यादा कहाँ अच्छा चल रहा है यार, उससे ज्यादा अच्छा चलेगा अब, क्योंकि अब ना मैं कॉल पे बात कर पाऊंगी आपसे। क्या क्या समझे यार, यार एक बेग जाओ, तुम जाओ जहाँ थी ना वहीं पे रहो। समझिए यार, पता है आपका क्या प्रॉब्लम है? आपकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी पता है क्या है? कि आप चिल्लाते बहुत है, दूसरों की बातों को इग्नोर करने के लिए आप सबसे आगे रहते हैं, समझ में आया आपको? आपका एक एक सच्चाई पता है मेरे को, एक एक सच्चाई, अगर वही, अगर आपके जो वो ऑडियंस है ना, यूट्यूब ऑडियंस, उनको अगर मालूम चल जाएगा ना, तो आपकी वो वीडियो तो छोड़िए ना, वो सुनना पसंद नहीं करेंगे, समझे? आप बहुत दिखाते हैं ना कि मैं हेल्पर हूँ, हेल्प करता हूँ सबकी, मैं ये हूँ तो वो हूँ, मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। एक लड़की की हेल्प नहीं हो पा रही आपसे, एक लड़की आपसे एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, फिर लोग क्या हेल्प करेंगे? जो झूठ मूठ जो दिखाते हैं आप, हाँ ये सब अगर पब्लिक को मालूम चलेगा ना, फिर आपको पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता, समझे? झूठ मूठ दिखाते हैं ना, तो झूठ तुमसे शादी कर ले तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा ना। मैं शादी के लिए
बोल रही मुझे अब शादी करना ही नहीं है, पहली बात तो ये है। ठीक है, मैं संजना को देखी, संजना पे क्या बीत रही है मैंने देख लिया संजना को। ठीक है, संजना बहुत अच्छी है और हो सके तो इन फ्यूचर आप उससे शादी करो। क्या चाहती हो यार, मैंने तुम्हारा बात मैंने लड्डू फूट रहा होगा जो मैंने अभी बोला कि संजना से इन फ्यूचर शादी कर लीजिएगा। ऐसा कभी होने वाला नहीं है, सपना मत देखिएगा, खुश मत होइएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगी। संजना तो बहुत दूर की बात है, वो अच्छी है, वो अपनी जगह पे है, समझे आप? क्योंकि शादी तो मैं आपसे ही करूँगी, किसी और से नहीं करूँगी मैं। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या करोगे? करना होगा। रिलेशनशिप स्टार्ट क्यों किया आप जो दिखाते हैं, झूठ मूठ जो दिखाते हैं, हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, देखो गाइस मैं ये ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आपको पब्लिक सपोर्ट करती है, एक मिनट में ना आपको पब्लिक नीचे कर देगी, समझे आप? जो आप करते हैं ना, जो आप दिखाते हैं सबको, आपको क्या लगता है कि हाँ मैं बहुत बड़ा महान हूँ, बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ? घंटा यूट्यूबर नहीं है आप तो। अगर आपके अंदर उतना ही सेंस होता ना तो एक लड़की का हेल्प करते आप, एक लड़की का आपका हेल्प नहीं हो रहा है, आप जाते सबका हेल्प करने के लिए। तुम सेंस बता रही हो हमको ना, तुम बता रही हो गलत क्या सही क्या है, क्या बताओगी यार? चिल्लाइए मत मेरे पर, समझ में आया ना आपको? पहले बदतमीजी से बात मत करो, ठीक है ना? पहले तरीका सीखो बात करने से। बदतमीजी किया मैंने? क्या मैंने क्या बात करी हो, क्या जानती हो मेरे बारे में? यही सब की जो मैंने क्या हमको बर्बाद करोगी? कर दूंगी मैं, अगर मुझे शादी नहीं करनी तो कर दूंगी बर्बाद। नहीं करेंगे, करो, कितना तुम्हारे पास पावर है लगाओ। क्या किया, क्या रिलेशनशिप स्टार्ट किए? बात करने का मतलब रिलेशनशिप हो गया, एक दोस्ती का भी नाता होता है ना। झूठे सपना दिखाता कौन है? क्या सपना दिखाते कि हम तुमसे शादी करेंगे? हाँ, आपने मुझे बोला, आप एक्सेप्ट कीजिए ना। अरे सामने कैमरा लगा हुआ है, आप ड्रामा कर रहे हैं, बताइए ना। लगाए हैं ना कैमरा, क्या ड्रामा कर रहे हैं? तभी तो आपकी ऑडियंस देख रही है ना, तभी तो आप सच नहीं बोल सकते कुछ भी। वाओ यार, क्या खेल खेलते हैं आप तो, सच नहीं दिखना चाहिए ऑडियंस के सामने जो भी है ना। एक सब्र का बान है, मत तोड़ो उसको। तोड़ दीजिए, मत तोड़ो उसको। अब मैंने जो अगर तुम मेरे बारे में जानते हो तो मैं भी तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम भी दूध की धुली हुई नहीं हो, क्या जानते हैं? यही ना बोल रहे हैं, बता दे क्या हम भी। देखिए आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा आगे बढ़ रहे हैं हम, आप करो तो सही। अब हम जब बोलने पे आ गए तो तुम्हारा सही गलत आ गया यहाँ पे। बताए कि तुम कैसी लड़की हो, बताए सबके सामने कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुमको क्या हुआ है, क्या हुआ है? चुप रहिए प्लीज, मत बताइए वो सब। अच्छा मत बताइए, अब तुम बता रही है ना हमारे बारे में, क्या जानती हो तुम हमारे बारे में, क्यों बदनाम कर रही हो हमको? इसलिए मैं माफी मांग रही हूँ, बट प्रकाश प्लीज हमें समझ क्यों नहीं रहा है यार, समझिए प्लीज यार। आपको कुछ अपना पर्सनल चीज बताएं तो उसको तुम अपना मजबूरी बता रहे हो, क्या नहीं समझ रहे हैं यार? ये बोलना, तुम मेरी दोस्त हो बाकी कुछ नहीं, आप समझो तो कम से कम मुझे यार। जो चीज संभव नहीं उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है अलीजा, क्यों नहीं बात समझ रही हो यार? हम अगर शादी कर लेंगे ना तो फिर फैमिली को टेंशन रहेगा। सबसे पहले शादी वाला जो सपना है ना अपने दिमाग से निकाल दो। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा यार? क्या कर रहे हैं यार हम? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे, आप मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे समझिए प्रकाश। अलीजा तुम पागल हो गई होगा यार। मैं पागल हो गई हूँ आपके लिए, आपके पीछे पागल हूँ मैं? आप संजना को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, जलन नहीं होगा, और मैं जब गुस्सा होंगी तो मुझे डांटते हैं आप, चिल्लाते हैं, क्या समझूं मैं इससे? लीजा तू दोस्त है यार, शादी नहीं कर सकते तो ना तुमसे। अब ये कैमरा लगा होता है, बोल रहे दोस्त है, कैमरे के पीछे क्या होता है? कैमरे के पीछे बोलते हैं तुमसे शादी करें आप? हाँ आप बोलते हैं, आप एक्सेप्ट कीजिए। कैमरे के पीछे आप ये तक बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आप उस दिन क्या बोले? प्यार आज भी करता हूँ तुमसे यार, आजीवन करता रहूंगा, लेकिन तरीका अलग है ना प्यार का यार। क्यों नहीं बता रहे आप ये? संजना को कितने बार बता के तुमसे प्यार करते, लेकिन तरीका प्यार वो नहीं है ना जिसको तुम समझ रही हो। हर्ट हो रहा है बहुत ज्यादा, संजना पागल हो जाएगी ऐसे, उसको अटैचमेंट है आपसे यार। आप बताओ संजना को, क्यों मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो आप? जो चीज सच रही हो तुम उसी को बदनाम बार बार कुरेद रही हो हमको अंदर से यार। पकड़ो तुम्हारा सामान लेकर आई, जाओ जाना इनके साथ, खर्च छोड़ कर आई हो ना तुम घर पे, लेके जा रही हूँ ना इनको। गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत फहमी है, तुम घर पर खर्च छोड़कर नहीं आई हो के जा रही हूँ लेकर इनको, इनको अलीसा मेरे सामने तुम कुछ और इनको कुछ और हो। चेहरा रखना है एक रखो, या चेहरा दिखाओ तुम मुझे अपना। संजना मैं इनको लेके नहीं जा रही हूँ, फिर मैं अकेले जाऊंगी, सामान पैक करके लाई हूँ, जाओ। क्या जानती हो उसके बारे में तुम, कि बोल रही हो कि मेरे सामने कुछ और तुम्हारे सामने कुछ और? क्या, कर दी क्या नहीं जानती मैं उसके तो बताओ ना हमको, तो तुम्हें ना। अरे मैं अकेले जा रही हूं, इनको लेके नहीं जा रही हूं, आप क्यों गलतफहमी में जी रही हो? क्या जानती हो बताओ, ये अपना ये वाला थोड़ा मत दिखाओ हमको, ठीक है ना? क्या जानती है, क्या बताती है, क्या बोलती है? तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती, और ना मुझे तुमसे बात करनी, ठीक है?
खाली सामान ला के दिया है, जाओ। तुमको मेरा कसम, बताओ क्या बोलती है ये, बताओ क्या बोलती नहीं बता रही मैं। क्या चल रहा है ये सब? क्या क्या बोलती हो मेरे बारे में तुम? भी नहीं बोला मैंने। तुम्हारे बारे में जो जानते हैं बता दें हम अभी। बारे में कुछ यहाँ पे कैमरे लाए, बता दें। क्यों बहुत कुछ बताया, क्या करोगे जान के? कुछ नहीं बताया मैंने आपके बारे में। अलीजा झूठ नहीं, बस बहुत हो गया। कर रहे हो आप ऐसा यार? क्यों मैंने हमको बर्बाद कर, किसी का चाल है तुमको? कोई पैसे दिएगा तुम हमको बर्बाद करने के लिए? क्यों कर रही हो यार ऐसे? इतना गलत मत कहो, ठीक है? पैसों के पीछे नहीं भागती वो, उसके बारे में अच्छी तरह जानती हूँ मैं सब कुछ। मत कहो यार ऐसा। और तुम तो ज्यादा अच्छे से जानते होगे, तुम तो 6 साल से हो। क्यों 6 साल से क्या, इसके साथ में थोड़े रहते थे हम? आपके सामने क्यों रंग बदल रहे हो आप, ये बताओ? ऐसे तो अपने परिवार के साथ भी हैं बचपन से। किसको नहीं जानते, सबको अच्छे से जानते होगे किसकी आदत क्या है, ठीक है? इतना ही ओवर थिंकिंग कर लिया यार। मुझे उनकी तरफ से दोस्ती लगता है ना, मुझे आपकी तरफ से मेरा दोस्ती लगता है। क्या है वो अटैचमेंट करती है, मेरा अटैचमेंट है, मैं प्यार करती हूँ तो आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे? क्या चाह रहे हो तुम लोग यार, हमको समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग बड़े भोले हैं, आप तो बहुत बिछा रहे हैं, आप तो सच में बहुत ज्यादा बिछा रहे हैं, सबसे बहुत बड़े भोले हैं। आपको ये लगता है कि सारी लड़की मेरे पे फिदा है, लेकिन भोले बने कोशिश करते हैं कि हाँ मैं दोस्त हूँ, नॉर्मल दोस्त हूँ। एक्सेप्ट क्यों नहीं करते आप? मैं तो ये चीज मान चुकी हूँ कि मेरे सर हैं यहाँ से दोस्त, तो मैं क्या ही नहीं रही इनको, दोस्त हैं मेरे, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरी माँ, मेरे पापा हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा सब कुछ मेरी माँ है, बस। दोस्त तो किसी को बनाना ही नहीं है, अब देख लिए दोस्त अगर ऐसे होते हैं तो नहीं चाहिए। खास क्यों कर रहे हैं आप ऐसा हम दोनों के साथ, बोलिए ना, उसे क्यों नहीं बता रहे सच्चाई? आप बताएंगे तुम्हारा सच्चाई? बहुत बहुत ज्यादा बात बिगड़ रहा है आप। तुम्हारे बारे में जो जानते हैं ना, जो चीज की इतना दिन से छुपा के लेके आ रहे थे, लेकिन अब नहीं छुपेगा, अब ज्यादा बदनाम नहीं होंगे हम, अब बता देंगे सबको कि तुम क्यों आई हो मेरे पास, ये क्यों सारा चीज कर रही हो। उसको लेके नहीं कर रहे हैं आप, ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, अब हर चीज आएगा कैमरे के सामने। जब तुम लोग यही चाह रही हो, तुम लोग हर तरह से घेर के हमको फंसा रही हो ना, तुम फंसा रही हो ना हमको। तुम्हारे बारे में जो जानते ना, तुम क्या प्लान लेके मेरे पास आई हो, क्या मकसद है तुम्हारा, सब पता है। शक्ल क्यों नहीं दिखा दी हो कैमरे के सामने? तुम मेरी प्यार हो, तुम मेरी मोहब्बत हो, ड्रामा बना रखी हो, क्यों नहीं दिखाती हो? क्या बोलती हो हमसे? मत ना, इज्जत है तो थोड़ा बहुत बचा हुआ बचने दो, घर वाले बहुत उम्मीद लगा रखे हैं तुमसे, मत आने दो कैमरे के सामने, न तो बदनाम हो जाओगी, बदनाम। मत करो ऐसा प्लीज यार। कैमरा लगाए इंसान के जैसा, बैग उठाओ और रूम पे जाओ, तुम्हारा बाप आ रहा है तुमको ले जाएगा। आगे से इस टॉपिक पर बात मत करना, न तो जो जानते हैं ना, अगर चाहते हो सारा चीज सोशल मीडिया पर आ जाए तो आ जाएगा। चुप हो जाए अब, तू क्या जानते इसके बारे में? तू यही ना जानते, अलीजा मेरी गर्लफ्रेंड है ना, ये हमसे प्यार करती है, यही ना जानती हो? तो जितना बताया उतना ही जानूंगी। इतना नहीं ना है, बहुत बड़ा राज है इसके पीछे, बहुत कुछ छुपा है। हम सोच रहे हैं धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए, तुम तो हम ही को बदनाम करते जा रही हो बार बार, प्यार मोहब्बत का जाल में फंसाते जा रही हो हमको, चूतिया समझ रखी हो काम को। हम सोच रहे एक दो दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम तो हम ही को फंसाते जा रही हो। तुम लोगों को, तुम जो दिखती हो ना वो हो नहीं, तुम लोग सही में नागिन हो, ऐसे जगह डंसते हो ना कि पानी भी आदमी को नसीब नहीं होता है। बात ए उठा बैठ जाओ, रूम पे जाओ, बोल रहे ना हम कि बता दे हम अभी। नहीं मैं जा रही हूं। तो जाओ यहाँ से, चलो जाओ, कुछ नहीं बोल रहे ना, जाओ। लेकिन इंसान इधर शांति से रहना। अब तू सुन इधर, तू क्या जानते है उसके बारे में? मुझे कुछ नहीं। तू जो जानते है ना वो सच नहीं है। सच क्या है फिर? कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बात खत्म। बाकी कुछ है ना तुमको पर्सनली बता देंगे, जो कि कैमरे के सामने नहीं बता सकते ना, क्यों? उसका भी इज्जत है ना, उसका भी रेस्पेक्ट है, उसके भी परिवार को सपना देख रखे हैं। आज तक नहीं बताया तो अब बता के क्या करोगे? हम सोच रहे थे कि अच्छा हो जाएगी, अच्छा, लेकिन वो हम ही को बदनाम कर रही है यार। तो इतने दिन से जो है ना, ये दुनिया भलाई का युग नहीं है मेरे लिए। जो इंसान किसी और के लिए गड्ढा खोदता है ना, उसमें पहले वही गिरता है। अब बहुत हो गया इसका रामायण, कल का कल अगर इसके बाप से बात कर रहे हैं। तो तुम बहुत बार बोल चुके हो, आएंगे जाएंगे नहीं तो बता देंगे हम भी। तो फिर बताओ ना मेरे को क्या बात है, बंद कराओ कैमरा।
बताओ। बंद करो कैमरा, बंद करो।